नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा यंत्र बनाना सिखाएंगे कि इस यंत्र को बनाकर किसी को दे देंगे, वो आपका आके पांव पकड़ लेगा, कहेगा भैया बस ये 5 मिनट के उपाय से जिसके लिए मैं 2 साल से 10 साल से परेशान था, आपने मात चुटकी बजाते हुए सही कर दिया। ऐसा कहेगा, मेरा वादा है। तो इस यंत्र के पहले मैं दर्शन करा दूं। आप देख लीजिए, ये यंत्र है, इसके खाने देख लीजिए। इस यंत्र में देख लो, गिनती लिखी ना, छोटी संख्या से लिखना चालू करना, जिस खाने में सबसे छोटी संख्या लिखी है वहां उसी से चालू करना, बढ़ते क्रम में उसी तरीके से खाना भरना, ठीक है। ये नहीं कि एक लाइन से ऐसे लिखना चालू करो, ठीक है। इसमें देख लो, सबसे छोटी संख्या लिखी है उसी संख्या को लिखो, फिर उससे बड़ी वाली संख्या उस खाने में लिखो, इसी तरीके पूरा ये नक्श भरा जाएगा जिसका ये तरीका रहता है। ये लिखा किस पे जाएगा? भोजपत्र पे, उत्तर मुख होके, धूप दीप जलाकर। अब स्याही किस चीज की बनानी है? गोलोचन, वंशलोचन, हल्दी, हल्दी पिसी हुई, गुलाब जल, सिंदूर, अष्टगंध और थोड़ा सा इत्र मिलाकर अनार की एक कलम लेना, उससे छील लेना, उसी से लिखना। कब लिखना है? सुबह आप भोर में लिखिए, जितने नक्श लिखना किसी को जिसको देना है यह यंत्र, उतना आप सुबह लिख लीजिए एक बैठक में, 10, 5, 25 जितना लिखना हो लिख लो। अब किसी को जब देना हो तो उसकी जन्म तिथि पूछो, ठीक है। उस जन्म तिथि को जोड़िए, जैसे किसी का 5, 5, 75, 5, 5, 10 और 1975, 1 और 9, 10 यानी 20, 75, 7, 20, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 बना 3 और 2, 5 यानी 5। तो जिसके टोटल जन्म तिथि का अंक आए उसका नाम उस यंत्र के पीछे उतनी बार लिखकर उसको दे दो। किस किस चीज में काम आएगा, चलो हम बताते हैं। यह यंत्र अगर किसी ऊपर भूत प्रेत बहुत ज्यादा वो बावला हो गया, चिल्ला रहा, तो इसी तरीके लिखकर उसको दो और वो काले कपड़े में भुजा पे बांधेगा। किसी का बेटा गायब हो गया हो, किसी की पत्नी गायब हो गई, कोई रूठ के चला गया और नहीं आ रहा हो, इसी यंत्र को आप भोजपत्र पे लिख के दें और बोलना पीपल के पत्ते के साथ उसकी फोटो के साथ आप इसको पीले कपड़े में लपेट कर पीपल के पेड़ पे बांधें। किसी की दुकान किसी ने बांधी, नहीं चल रहा है, तो एक चाकू के ऊपर इस यंत्र को आप लिखेंगे और भोजपत्र पे दोनों पे लिखेंगे और भोजपत्र को चाकू पर लपेट कर लाल कपड़े से बांधकर उसकी दुकान में रखवा देना। कोई बीमार आदमी ठीक नहीं हो रहा, उसको भोजपत्र के ऊपर लिखकर गाय के दूध में डाल दीजिए और वो दूध कस के हिला देना। इस दूध को 1-1, 2-2 चम्मच, 1 पाव दूध ले लेना, सुबह से शाम तक पीता रहे और यंत्र उसी में पड़े रहने दे, फिर नया दूध डाल दो, ऐसे 5 दिन पिए। कोई रूठ कर चला गया, बता ही दिए। घर में कोई बुरा आदत पकड़े, जैसे नशा कर रहा है, शराब पीता हो, कहना नहीं मान रहा हो, तो उसके कपड़े के ऊपर इस यंत्र को लिखना, भोजपत्र पे नहीं, कपड़े के ऊपर लिखना और लिखने के बाद उसमें 5 लकड़ी के कोयले कोई भी हो रखकर गांठ मार देना और उसको घर में कहीं दबा देना। यह बहुत चमत्कारी चीज है, इसको आप बनाइए और आप देखेंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने बता दिया, कोई बहुत बड़ा लोचा लफड़ा नहीं करना। इसको बनाओ, लोगों को देना हो इसी तरीके दीजिए। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस यंत्र का किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए, 1 रुपये मत लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेना, किसी प्रकार का दान नहीं लेना, लोगों का निस्वार्थ कल्याण के लिए। कोई स्वेच्छा से दे देता, ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं। जो दान भी मिले उसका भी 10% दान दिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इसको बनाइए। किसी प्रकार की कोई सहायता होगी, हम और हमारी टीम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। मुस्कुराइए, आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप मुस्कुराते रहें, दिन रात चौगुनी आप तरक्की करें, हम और हमारा परिवार। चमत्कार को नमस्कार, आपके लिए सहदेव यही प्रार्थना करता। जय श्री राम।